हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंशम एजुकेशन क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत के बारे में बेसिक पढ़ लिया था कि चार्ज क्या होता है, इसकी क्वालिटीज़ क्या होती है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है या किस में मेज़र किया जाता है और इनके SI यूनिट्स क्या क्या हैं और मुख्य अवयव जो हैं उनके प्रतीक क्या क्या होते हैं। सब शुरुआत आज हम लोग करेंगे ओम के नियम से, ओम्स लॉ। ओम का नियम, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहता है। ओम के नियम के अकॉर्डिंग यदि कोई धारावाही चालक है AB, तो इस धारावाही चालक में जो सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाएगा, यहाँ पे इन विभवांतर जो होगा वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब सिरों के बीच अगर विभवांतर भी है तो वो प्रोपोर्शनल होगा I के, या V = IR। यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के R सिंबल लगा देंगे। ये R जो है यही तार का प्रतिरोध है, ये एक नियतांक है। तो ओम का नियम जो बताता है हमको कि धारावाही चालक में सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे ओम के नियम का क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स खींचा गया है, वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जितने अकॉर्डिंग वोल्टेज बढ़ रही है सेम उतने अकॉर्डिंग करंट भी बढ़ रही है। यहाँ पे वोल्टेज और करंट के ग्राफ जो है वो लीनियर शो किया गया कि जितना करंट बढ़ेगा उतना वोल्टेज बढ़ेगा, इसीलिए कहा गया है ना कि ये वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती है। करंट प्रतिरोध जो वो R नियतांक है वही प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। R नियतांक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। प्रतिरोध की परिभाषा, यह चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। मतलब कि चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करे प्रतिरोध कहलाएगा, धारा प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध भी बहुत तरह के, उसमें प्रतिरोध, धारा प्रतिरोध, एक तो होता है स्यान बल लगता है पानी के बहाव के विपरीत, तो वो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के प्रतिरोध होते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो भी एक प्रतिरोधक बल होता है। तो यह चालक का वह गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। मतलब ये रेजिस्टेंस है, करंट रेजिस्टेंस R, इसको मुख्यतः R से डिनोट करते हैं। इसका SI यूनिट जो होता है वो ओम्स होता है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट / 1 एम्पियर। और जब किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो तथा उसमें 1 वोल्ट का विभवांतर हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। अब आते हैं ये 1 ओम प्रतिरोध का परिभाषा है। अब आते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोध के परिवर्तन करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसको धारा नियंत्रक कहते हैं। याद रखिएगा, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसको धारा नियंत्रक कहते हैं। अब आते हैं वे कारक जान लेते हैं जिन पे कि एक चालक का प्रतिरोधकता डिपेंड करता है। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तापमान के समानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल T। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये चारों गुण होते हैं जिनकी वे कारक होते हैं जिन पे एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। मतलब कि अगर तापमान बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध परिवर्तित होगा, चालक की लंबाई बढ़ाई जाए या घटाई जाए तब उसका प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, इंटरनल प्रतिरोध में। उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया घटाया जाए तब उसके इंटरनल में रेजिस्टेंस में परिवर्तन होगा। विद्युत प्रतिरोधकता पे अब आते हैं।
विद्युत प्रतिरोधकता, एक मीटर भुजा वाले घन के विपरीत हलकों से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो प्रतिरोधकता कहलाती है, विद्युत प्रतिरोधकता कहलाती है। एक मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अब प्रतिरोध के बारे में कुछ जान लेते हैं। एसआई मात्रक जो होता है प्रतिरोधकता का वो ओम मीटर होता है। और क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता को मोस्टली रो से डिफाइन करते हैं। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित रहती है। धातुओं व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता परिसर 10^-8 से 10^-6 ओम मीटर होती है। जरूरी डेटा याद कर लीजिए। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र दहन नहीं होता है, अतः इनका उपयोग तापमान युक्तियों में किया जा सकता है। टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस, थर्मोमीटर जैसे कि हुआ, इन सब जगह पे इनका प्रयोग किया जा सकता है। तांबा और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। ये उदाहरण होते हैं क्या बोलते हैं कि कम प्रतिरोधकता वाले तत्वों के, धातुओं के। अब पढ़ते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी में संयोजन। यहाँ पे एक सर्किट प्रदर्शित की गई है जिसमें तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं, R1, R2 और R3। इनके मध्य जो विभवांतर है वो अलग अलग जनरेट हुआ है। R1 के मध्य V1, R2 के मध्य V2 और R3 के मध्य V3। जबकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा दिया कि सीरीज में करंट सेम होती है, तो यहाँ पे जो करंट है वो सेम है परंतु वोल्टेज अलग अलग है। जब यहाँ पढ़ते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो वह संयोजन श्रेणी में संयोजन कहलाता है। मतलब एक प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा प्रतिरोध, सेम इसी तरह से जोड़ा जाए तो यह सीरीज संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध, मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो R=R1+R2+R3। जैसे कि हमने बताया, प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित होती है और विभवांतर जबकि अलग अलग होते हैं, V1, V2, V3। तो इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे R1 के क्रॉस V1 आएगा, R2 के क्रॉस V2 आएगा और R3 के क्रॉस V3 वोल्टेज आएगा। और टोटल जो वोल्टेज V होगा वो V=V1+V2+V3 होगा। तो V1+V2+V3 टोटल वोल्टेज हो जाएगा। तो V1=I×RA1 क्योंकि करंट तो सेम है। V2=I×R2 जो R2 रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू इंटू करंट, करंट तो सेम है तीनों में। इसी तरह V3=I×R3। तो यहाँ पे V1+V2+V3=I हो जाएगा I=R1+IR2+IR3। तीनों में से I कॉमन ले लेते हैं तो V=I हो जाएगा I(R1+R2+R3)। तो V/I जब कर देंगे, V को इस तरफ लाके V में I का डिवीजन कर देंगे तो आ जाएगा R, V/I=R1+R2+R3 हो जाएगा R1+R2+R3। तो R=V/I हो जाएगा, V/I=R होगा तो R=V हो जाएगा R1+R2+R3। यही प्रूफ करना था कि सीरीज में कितना होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद आता है आपका पैरेलल संयोजन जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इससे इस वीडियो को पूरा देखिए, जितने भी क्वेरीज हैं आपके वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको कल के कल समझाएंगे, पूरा फिर से वीडियो समझाया जाएगा। मगर इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि ओम्स लॉ बहुत ज़रूरी स्पेसिफिकेशन होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।